हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज़ न्यूज़ इज़ अबाउट कृति सैनन। यस, कृति ने अपना नया जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, उसके ऊपर है। तो लोगों का कहना है कि जो कृति की ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स है, दैट इज़ एन ओ टू SSR, मतलब सुशांत सिंह राजपूत। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कृति सैनन हैज़ कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 9 years नाउ इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और अब जाके उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम उन्होंने रखा है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, अलॉन्ग विद हर सिस्टर नुपुर सैनन। हावेवर, जो अटेंशन में आया है फैंस की वो ये था कि जो नेम है प्रोडक्शन हाउस का वो है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स। तो जैसे ही अनाउंसमेंट करी कृति सैनन ने, तो स्पेकुलेशंस होने लगे कि उन्होंने लोगों ने लिंक करना शुरू कर दिया नेम ऑफ हर प्रोडक्शन हाउस विद हर लेट को स्टार सुशांत सिंह राजपूत, हु वॉज वेल नोन फॉर फ्रीक्वेंटली यूजिंग द ब्लू बटरफ्लाई इमोजी एंड हिज फैंस ऑफन एसोसिएटेड इट विद हिम एज अ सिंबल ऑफ हिज फ्री स्पिरिटेड नेचर एंड आर्टिस्टिक पर्सन्स। सो वॉट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि ज़्यादातर सुशांत सिंह राजपूत को देखा गया था दैट ब्लू बटरफ्लाई का यूज़ करते हुए, तो लोगों को लग रहा है कि ये एक ट्रिब्यूट जैसा है कृति सैनन की तरफ से उनके एक्स को स्टार भी एंड साथ में बॉयफ्रेंड भी। तो आपका क्या कहना इसके साथ में? मुझे आपको ये भी बताना था कि जो कृति सैनन का जो आफ्टर टर्निंग इनटू अ प्रोड्यूसर विद द ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, सोर्सेस से पता चला है कि जो उनके फिल्म होगी उसके जो कास्टिंग डायरेक्टर होंगे वो होंगे मुकेश छाबरा, और जो शहीर शेख हैं उनका रोल होगा उसमें। और फिल्म जो है वो इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिलीज ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। And yeah, let's see. And waiting for the film, let's see कि कृति सैनन का क्या देखते हैं, क्या है उसमें। I'm sure it will be something very good. तो let's see क्या होता है बाकी। Yeah, that was about it. I hope you like my video. And for more such videos, please don't forget to like, share and subscribe. I'll meet you very, very soon. Till then, you take care of yourself. Bye-bye.